हेलो दोस्तों, मेरा नाम इंदु और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बायोलॉजी क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। इससे पहले की जितने भी हमने एल्गोरिथम की थी वहाँ पे हम सिर्फ एक सिंगल रेडी क्यू पे काम कर रहे थे, लेकिन ये एल्गोरिथम क्या है हमारी उन एल्गोरिथम से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडी क्यू मल्टीपल है, मल्टीपल लेवल्स में हमने रेडी क्यू को रखा है। और किस बिहाफ पे हमने उनको रखा है वो हमने उन प्रोसेसेस को डिवाइड किया है या फिर कैटेगराइज किया है उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि सपोज हमारे पास पांच प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4 और P5। ये पांच प्रोसेस है हमारे पास और इनकी कोई ना कोई प्रायोरिटी होगी। सपोज हम वन प्रायोरिटी जिस प्रोसेस को दे रहे हैं उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, P2 की सपोज 2 है, P3 की 3 है, P4 की 2 है, P5 की 1 है। तो जो वन प्रायोरिटी जिसकी भी होगी वाले प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। यहाँ पे क्या है, हमने अब इनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या किया, रेडी क्यू बनाई P1 के लिए और P5 के लिए। क्या होगी, एक सेम क्यू हमारी बनेगी रेडी क्यू, और उसको हमने क्या किया है, कैटेगराइज्ड कर दिया एक रेडी क्यू के अंदर। अब जिनकी सेम प्रायोरिटी है, P2 और P4 की भी सेम प्रायोरिटी है, तो P2 और P4 को हमने एक क्यू में रख दिया। उसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस बचा है P3। तो ये जो सिनेरियो हमने लिया है, ये सिनेरियो हमने एक सिचुएशन का लिया है जिस टाइम पे हमारे पास पांच टोटल प्रोसेस हैं और जिनमें से दो की प्रायोरिटी, P1 और P5 की प्रायोरिटी सेम है, P2 और P4 की प्रायोरिटी सेम है, और P3 की प्रायोरिटी एक अलग प्रायोरिटी है, तो उसको हमने एक अलग क्यू में रखा है। इस तरीके से हमने क्या करना है, रेडी क्यू को बनाना है अलग अलग प्रोसेसेस के लिए उनकी सेम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो भी हमारे प्रोसेसेस होंगे उनको हम सबसे ऊपर रखेंगे, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी वाले और फिर उससे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले। अब इन सब की अपनी एल्गोरिथम होगी। ये जो फर्स्ट क्यू देख रहे हो आप, ये क्यू नंबर 1 है, इसकी हो सकता है कोई अपनी एक शेड्यूलिंग यहाँ पे काम करे, कोई एक एल्गोरिथम यहाँ पे काम करे। सपोज यहाँ पे FCFS काम कर रही है, नेक्स्ट क्यू की अपनी शेड्यूलिंग होगी। सपोज यहाँ पे राउंड रोबिन काम कर रही है, इसकी अपनी होगी। सपोज यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग काम कर रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम होगा। जो सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होगा CPU के बाद, जो सबसे पहले एलोकेट होगा वो प्रोसेस हमारा Q1 से रहेगा, और जिस पे शेड्यूलिंग कैसी रहेगी, FCFS रहेगी। यहाँ पे हर एक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम एलोकेट होता है, ये फिक्स रहता है सभी प्रोसेसेस के लिए, चाहे उसकी प्रायोरिटी 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, मतलब वो किसी भी क्यू से रिलेट कर रहा है, उसका जो टाइम क्वांटम रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम होता है। तो देखो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हो, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी के हमारे क्यू स्टार्ट हो रही है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट जा रहा है। ये सिस्टम प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे, वो प्रोसेस होते हैं जो सिस्टम से रिलेटेड काम करते हैं, इसीलिए उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। उसके बाद है इंटरेक्टिव प्रोसेस, उनको सेकेंड प्रायोरिटी, फिर है बैच प्रोसेस। यहाँ पे इन क्यू के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो क्या करेंगे, रेडी क्यू में जाएंगे और उनके ऊपर उनकी अपनी एल्गोरिथम जो होगी वो काम करेगी। इस तरीके से हमने सिस्टम प्रोसेस के लिए ये रेडी क्यू बनाई है, यहाँ पे राउंड रोबिन काम कर रही है। इंटरेक्टिव प्रोसेसेस के लिए सेकंड रेडी क्यू बनाई है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट काम कर रही है। जो लोवेस्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पे है हमारा, वो है बैच प्रोसेस, यहाँ पे रेडी क्यू 3 में ये जाएंगे, इनके प्रोसेस सारे के सारे, और FCFS यहाँ पे काम करेगी। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, हमारे जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, जो यहाँ पे लोवेस्ट प्रायोरिटी पे जो प्रोसेसेस रहेंगे उनको बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बार बार जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी के यहाँ पे प्रोसेसेस आते रहे रेडी क्यू के अंदर और वो उन्हीं पे CPU एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता रहे। इस तरीके से क्या होगा, स्टार्वेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है लोवेस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेसेस के लिए। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको करके दिखाती हूँ जिसके थ्रू हम इजीली समझेंगे कि कैसे इस मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग पे काम होता है। तो देखिए ये है हमारे पास टेबल, टेबल में हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, अराइवल टाइम है उनके, उनके बर्थ टाइम है, और यहाँ पे क्यू मेंशन है। दो क्यू है हमारे पास, Q1 और Q2। तो Q1 जो होगी हमारी, Q1 के अंदर कौन कौन से प्रोसेस है, Q1 जो रहती है हमारी उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, तो ये Q1 पहले बनाएंगे, Q2 हम क्या करेंगे बाद में बनाएंगे, ये Q2 है। Q1 के अंदर प्रोसेस P1 है, P2 है और P4 है, और Q2 में क्या है हमारा, सिर्फ P3 प्रोसेस है। अब देखिए जब तक हमारी Q1 कंप्लीट नहीं होगी, मतलब ये सारे प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे तब तक हम Q2 पे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, टाइम क्वांटम जो है 2 यूनिट है। टाइम क्वांटम 2 का मतलब क्या है, हर एक प्रोसेस को यहाँ पे 2-2 टाइम यूनिट मिलेगी एग्जीक्यूशन के लिए। Q1 के लिए यहाँ पे जो शेड्यूलिंग है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और जो हमारी Q2 है उसके लिए क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यहाँ पे शेड्यूलिंग है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि काम एक्चुअल में यहाँ पे होता कैसे है।
तो हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाना पड़ेगा. अराइवल टाइम इनिशियल यहाँ पे जीरो गिवन है. अराइवल टाइम यहाँ पे तीन प्रोसेसेस का जीरो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जीरो मेंशन कर लेंगे. अब वो तीन प्रोसेस है कौन से, यहाँ पे है P1 प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम जीरो है, P2 प्रोसेस और P3. ये तीन प्रोसेस है हमारे पास अराइवल टाइम जीरो पे, जिसमें से हम प्रायोरिटी अगर चेक करें तो P3 की प्रायोरिटी ज्यादा है. P3 हमारा इस क्यू पे है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे अभी के लिए हम इस पे काम नहीं करने वाले हैं. तो P1 और P2 में से अब हमें देखना है कि कौन से प्रोसेस पे हम काम करें. अब देखो क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इसके हम अराइवल टाइम इसका क्राइटेरिया लेते हैं, लेकिन अराइवल टाइम भी क्या है दोनों का ही सेम है. तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस आईडी को कंसिडर करेंगे. तो जिसकी प्रोसेस आईडी छोटी है, जो ये प्रोसेस पहले है हमारे प्रोसेसेस में, उसको हम कंसिडर करेंगे. तो P1 को हम कंसिडर कर रहे हैं सबसे पहले, P1 को एलोकेट करवा रहे हैं CPU 2 टाइम क्वांटम के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 2 टाइम क्वांटम है. हर एक प्रोसेस को 2 ही टाइम देना है, 2 टाइम यूनिट हमें देनी है. तो यहाँ पे 2 टाइम के लिए ये काम करेगा, तो इसका बस टाइम 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 यूज हो चुका है, 2 और बाकी है. अब उसके बाद देखो, हमने एक बार इसको टाइम दे दिया, अब 2 टाइम पॉइंट पे और कोई प्रोसेस है नहीं है. अराइवल टाइम किसी का भी 2 नहीं है, उसके बाद 10 का है, मतलब यही तीन प्रोसेस है. अब फिर हमारे पास, अब P1 को एक बार टाइम दे दिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम किसको मिलेगा, P2 को मिलेगा. P3 को मिल नहीं सकता क्योंकि वो सेकंड क्यू में है. तो P2 को भी देंगे 2 टाइम यूनिट के लिए, 2+2 हमारे पास जो टाइम हो जाएगा, अब हम 4 टाइम पे आ गए हैं, और इसको भी 2 मिल गया. बच गया कितना, 1 बच गया अब इसका, क्योंकि इसने क्या किया, 2 टाइम कंज्यूम कर लिया, तो 3-2 = 1 बच गया अब इसका. अब देखो 4 टाइम यूनिट पे, 4 टाइम यूनिट पे भी हमारे पास कितने प्रोसेस है, P1, P2, P3. अब P3 को तो हमने फिर से कंसिडर नहीं करना, तो हम फिर क्या करेंगे, दोबारा से P1 पे आएंगे, 2 टाइम यूनिट के लिए चलेगा, और 2 ही इसके पास बचा हुआ था, तो ये 0 हो जाएगा, और 4+2 = 6. अब हम क्या है, 6 टाइम यूनिट पे हैं, तो 6 टाइम यूनिट पे हमारे पास कौन से प्रोसेस है, वही प्रोसेस है हमारे पास P2 और P3. P2 को टाइम मिलेगा, इसके पास खाली बस टाइम कितना बचा है, 1. तो 1 टाइम यूनिट के लिए काम करेगा, 6+1 = 7, और कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पे, P2 एग्जीक्यूट कर रहा है. अब इसका भी जो बस टाइम रह गया है वो 0, मतलब ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर चुका है. अब हमारी बारी आएगी प्रोसेस P3 की, क्योंकि जो P4 है तो वो Q1 से, लेकिन वो उसका जो अराइवल टाइम है वो 10 है, वो अभी तक आया ही नहीं है रेडी क्यू में, तो उसको हम नहीं ले सकते. तो हम काम करेंगे P3 पे. P3 को हम लेंगे 2 टाइम यूनिट के लिए, तो 7+2 = 9, 9 तक वो चलेगा, और इसका जो बस टाइम रह जाएगा वो रह जाएगा 6. अब ये यहाँ पे हम आ गए 9 पे, ये तो कब आ रहा है, 10 पे, अभी नहीं आ रहा. लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब हम चलाएंगे, क्योंकि हमारा P1 और P2 प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है, ये अब रेडी क्यू में है ही नहीं, अब है हमारे पास 9 टाइम पॉइंट पे सिर्फ P3 प्रोसेस, फिर इसको चलाएंगे. लेकिन अब की बार हम इसको 2 टाइम यूनिट के लिए नहीं चलाएंगे, सिर्फ 1 टाइम यूनिट के लिए चलाएंगे. क्यों, क्योंकि 10th टाइम पॉइंट पे जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब P3 की तो प्रायोरिटी सेकंड है ना, सेकंड क्यू में है, और इसकी प्रायोरिटी 1 है क्योंकि ये फर्स्ट क्यू में है, तो इसकी हाईएस्ट है ना. तो 10 पे जब ये जैसे ही आएगा, इसी को CPU मिलेगा, तो ये सिर्फ 1 के लिए ही और चलेगा, 10 तक ही चलेगा. 10 पे जैसे ही टाइम पॉइंट आ जाएगा, इसको फोर्सफुली बाहर निकाल देंगे. तो यहाँ पे अब ये 1 तक चलेगा, फिर P4 आ जाएगा, और जब तक ये वाली क्यू का काम खत्म नहीं हो जाता, Q1 का काम खत्म नहीं हो जाता, हमारा CPU Q2 को नहीं मिल सकता. मतलब प्रोसेस जो थर्ड था, इसका जो टाइम रिमेनिंग है ना अभी 6, वो अभी उसको नहीं मिल सकता है. अभी किस पे काम होगा, P4 पे. ये दोनों तो एग्जीक्यूट कर चुके हैं, अब इसको CPU मिला हुआ है. तो जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं एग्जीक्यूट कर लेता, मतलब ये जो इसका बस टाइम 5 है, जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, तब तक प्रोसेस P3 को CPU नहीं मिलेगा. तो 10+5 करेंगे हम टोटल, इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएंगे 15 तक, उसके बाद प्रोसेस नंबर 3 को, जो इसका रिमेनिंग टाइम है 6, उसके लिए CPU मिलेगा. तो प्रोसेस P3 हमारा कब कंप्लीट होगा, 21th टाइम पॉइंट पे होगा. तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं, प्रोसेस P1 कब कंप्लीट करेगा, 6 टाइम पॉइंट पे कंप्लीट करेगा. P2 कब कंप्लीट करेगा, P2 करेगा 7 पे. P1 कब कर रहा है, 6 पे कर रहा था. P2 कब कर रहा है, 7 पे कर रहा है. P3 की बात करें, P3 कब कर रहा है, 21 पे कर रहा है. और P4 कब कर रहा है,
P4 हमारा 50 ओपन कर रहा है। इस तरीके से हम कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें प्रायोरिटी देखनी है कौन सी क्यू में कौन सा प्रोसेस है। हाईएस्ट प्रायोरिटी की क्यू जब तक सॉल्व नहीं हो जाती हम लोवेस्ट प्रायोरिटी पे नहीं जा सकते। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या है, तो आपको थोड़ा सा थ्योरी में बताना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसको प्रॉब्लम के थ्रू बता सकते हो आप, और उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप बता सकते हो। आई होप आपको इजीली समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक कमेंट जरूर करें, और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।